बुंदेलखंड से ताल्लुक रखने वाले बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर एवं राइटर के आकस्मिक निधन होने पर बॉलीवुड को भारी क्षति हुई है। वहीं बुंदेलखंड के कलाकारों में भी दुख की लहर देखने को मिली। बता दें, आजमगढ़ में जन्मे और बुंदेलखंड के जालौन जिले में पढ़े बड़े हुए बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर एवं राइटर खालिद आजमी के आकस्मिक निधन होने पर बुंदेलखंड के कलाकारों ने गहरा दुख जताया। खालिद आजमी ने 70 के दशक से अब तक 80 से ज्यादा फिल्में की और 100 से ज्यादा टीवी सीरियल व रियलिटी शो किए, जिसमें उनके सबसे फेमस फिल्म सलमान खान के साथ बीबी हो तो ऐसी, यलगार, खेल ईएमआई, बिग बॉस, द कपिल शर्मा शो, कॉमेडी सर्कस, खतरा खतरा आदि काफी फेमस रहे। उन्होंने हमेशा बुंदेलखंड फिल्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, यहाँ फिल्मी उद्योग को लेकर भी मांग की थी। साथियों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच से हमारे बड़े भाई बॉलीवुड डायरेक्टर खालिद आजमी जी का निधन हो गया है, जिन्होंने खेल, बीबी हो तो ऐसी और यलगार जैसी मूवी देकर समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज दिया था। आज वो हम सबको छोड़कर चले गए। हमारी पूरी बुंदेलखंड की जितने भी कलाकार हैं आज सभी दुखी हैं और हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए मालिक से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार साथियों, आज बुंदेलखंड के जाने माने कलाकार और बॉलीवुड के डायरेक्टर और राइटर श्री खालिद आजमी जी का आकस्मिक निधन हो गया है, जिसके लिए हम सौरभ निरंजन, राइटर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, प्रोड्यूसर, पूरे बुंदेलखंड के कलाकारों की ओर से उनके इस आकस्मिक निधन पर घोर संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके परिवार को धैर्य प्रदान करे ईश्वर, ऐसी कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।